वेलकम टू एपिक पौराणिक टेल्स। और आज हम बात करेंगे कि आखिर भगवान गणेश को दुर्वा क्यों चढ़ाई जाती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज कमेंट बॉक्स में गणपति बप्पा मोरिया लिखना मत भूलिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दुर्वा यानी दूब, ये एक तरह की घास होती है जो गणेश पूजन में प्रयोग होती है। एकमात्र गणेश ही ऐसे देव है जिनको ये चढ़ाई जाती है। दुर्वा गणेश जी को अतिशय प्रिय है। 21 दुर्वा को इकट्ठी कर एक गांठ बनाई जाती है तथा कुल 21 गांठ गणेश जी को मस्तक पर चढ़ाई जाती है। लेकिन आखिर क्यों दुर्वा की 21 गांठें गणेश जी को चढ़ाई जाती हैं? इसके लिए पुराणों में एक कथा है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में अनलासुर नामक एक दैत्य था। इस दैत्य के कोप से स्वर्ग और धरती पर त्राही त्राही मची हुई थी। अनलासुर ऋषि मुनियों और आम लोगों को जिंदा निगल जाता था। दैत्य से त्रस्त होकर देवराज इंद्र सहित सभी देवी देवता प्रमुख ऋषि महादेव से प्रार्थना करने पहुंचे। सभी ने शिव जी से प्रार्थना की कि वे अनलासुर के आतंक का नाश करें। शिव जी ने सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों की प्रार्थना सुनकर कहा कि अनलासुर का अंत केवल श्री गणेश ही कर सकते हैं। जब श्री गणेश ने अनलासुर को निगला तो उनके पेट में बहुत जलन होने लगी। कई प्रकार के उपाय करने के बाद भी गणेश जी के पेट की जलन शांत नहीं हो रही थी। तब कश्यप ऋषि ने दुर्वा की 21 गांठ बनाकर श्री गणेश को खाने को दी। जब गणेश जी ने दुर्वा ग्रहण की तो उनके पेट की जलन शांत हो गई। तभी से गणेश जी को दुर्वा चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई। आई होप कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करिए। स्टे ट्यून्ड।